हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो गुड मॉर्निंग। देखिए अब सुबह भी हो चुका है। सुबह जो है छत पे हम घूम रहे थे तो सोचे कि आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाएं। और इधर बन रहा है आपका मेरा सुबह का नाश्ता, बाबू के लिए पोहा, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम का स्कूल है इसीलिए पोहा बिस्किट के लिए सब कुछ डाल देते हैं। अब बाबू स्कूल भी चला गया है, स्कूल जाने के बाद हम इधर सब्जी काटने बैठ चुके हैं। अब बनाना है हमको नाश्ता, एक बार बना चुके नाश्ता, फिर दोबारा बनाना है नाश्ता। इधर मैंने रोटी और भुजिया। अब नाश्ता बनाने के बाद मेरा नहाना धोना भी हो चुका है, उसके बाद पूजा पाठ करके हम थोड़ा बाहर निकलेंगे कुछ काम से। तो चलिए आप लोग भी चलिए साथ में। और गाइस थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमको सब्सक्राइब किया, और मेरा 50 सब्सक्राइबर भी हो चुका है, तो इसलिए दिल से धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं हम लोग, गोविंदपुर जाएंगे, क्योंकि जो हमको पहचानती है उनको मालूम है गोविंदपुर कहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं गोविंदपुर, और फिर सब्जी उब्जी लेके भी देखिए हम घर भी आ गए हैं। ये देखिए मेरा हो गया आपका सब्जी, और सब्जी में वहाँ पर सब्जी थोड़ा सस्ता भी था, सब्जी फ्रूट्स सब कुछ। अब इसके बाद हम और ब्लॉग नहीं बना पाए गाइस, क्योंकि बहुत बिजी थे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये बहुत ही छोटा ब्लॉग है। टाटा एंड बाय बाय।